नमस्कार, आप देख रहे दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो सुरेंद्र कुमार। दर्शकों, मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से, अपनी खबरों के माध्यम से बताते रहता हूं कि अदालत में सबसे ज़्यादा अगर मुकदमों का अंबार लगा हुआ तो जमीन संबंधित विवाद का है। अभी मैं बताना चाहता हूं, ठीक शीश महल के बगल में एक जमीनी विवाद लगभग 35 सालों से चल रहा, अमित केसरी और रंजीत चौरसिया, अमित केसरी के पिता के नाम पर मुकदमा था, चल रहा था, लेकिन अमित केसरी के पिता का देहांत हो गया है। जैसा कि अमित केसरी दावा करेगी हमारी जमीन है, और रंजीत केसरी कहते हैं हमारे पिताजी के नाम पर जमीन है। हालांकि जमीन किन के, ये तो अदालत का फैसला का काम है, लेकिन जिस तरह से वाद विवाद बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं समाज में आने वाले समय बहुत सारी विडंबना, बहुत सारी समस्याएँ पैदा कर सकता है। कई लोग हैं जिनका कहना कि नहीं, जमीन अमित केसरी के पिता लोगों का है, पिता जुड़ा है। क्या जमीन का मामला है? जमीन का मामला है सर, हम लोग खतियानी रैया से कबाला खरीदे हैं। और कब खरीदे हैं? 1940 से। 1940 किसके नाम पर है? बाबू जी के नाम। अच्छा, और अब जो है उस पर मुकदमा चल रहा है, उसमें इजराय चल रहा है म्यूनसिपल कोर्ट में, क्योंकि मैंने सिविल का कोई काम नहीं हो रहा, हाईकोर्ट में भी टाइटल सूट चल रहा है, उसमें भी कोई काम सिविल में हो नहीं रहा है। अरे ज़बरदस्ती जो है बनाने के चक्कर में, दखल कब्जा करने के चक्कर में बराबर कर रहे हैं। कितनी ज़मीन है हमारी? अपनी जमीन जो अपने हिस्से की है 1.5 बीघी। रंजीत चौरसिया जुड़ रहे हैं, ये क्या मामला जमीन का है? 35 साल से मुकदमा चल रहा है, इसमें हाईकोर्ट में 2 मुकदमा है, लोअर कोर्ट में 1 मुकदमा है। पार्टी भाई जबरदस्ती इसमें काम कर रहे हैं। मैंने, ये जमीन किनकी है? मेरा है। आपकी जमीन है? मैंने, आपके बाप दादाओं के नाम पे है या फिर आप लोगों के नाम पे? आपके बाप के नाम पे जमीन है। मैंने, कितनी जमीन है आपकी? ये तो भैया बता सकते हैं। अच्छा, भैया को जानकारी, जो आपके बड़े भैया हैं, क्या नाम है उनका? कहाँ हैं वो? आ सकते हैं वो? ये जो आप दुकान देख रहे हैं दर्शकों, इस दुकान में और यहाँ एक देखिए गुमटी है, लगभग 35 साल से ये विवाद चल रहा है, अभी तक विवाद का निपटारा नहीं हो पाया है। और ये यहाँ तक पूरा गोतिया का मामला है, ये पूरी ये मिठाई की दुकान है और उधर पान की गुमटी है, यहाँ लगातार जो है। तो हालांकि अभी किसी प्रकार का जो है कोई ज़्यादा विवाद नहीं बढ़ा है, अभी भी लोग समझौता करने के पक्ष में ही, अभी भी लोग कानून के शरण में ही हैं। मैं यहाँ का जो है पीड़ित, मैं उनसे बात करके बताने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? अमित केसरी। क्या मामला है? मैंने, क्या चल रहा है? ये मेरे जमीन पे गुमटी लगा के बैठे हुए हैं, इसको कोर्ट से खाली करने का आदेश अभी 2017 में पारित हो चुका है, लेकिन अभी तक खाली नहीं कर रहे। अच्छा, आपके पापा का क्या नाम है? प्रमोद केसरी। मैंने, आपके चारे, आप कितने, आपके पापा कितने भाई हैं? 5 भाई। 5ों में बंटवारा हो गया है? 5 में से 1-2 यहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा, एकदम। जो ये संपत्ति किन की है, आपके दादा की हो या नहीं, नहीं, पापा 4 भाई की थी, 1 भाई सेल कर दिए अपना। मैंने, आपके पापा ही खरीदेगा आपके दादाजी की संपत्ति? आपके पापा या सारे अंकल मिलके खरीदे हैं? अच्छा, कब खरीदे हैं? 1986 से हमारा दाखिल खारिज होकर रसीद कटता आया हुआ है, 2022 तक का हमारा रसीद है। अच्छा, लेकिन अभी भी आप लोग कानून के शरण में हैं? बिल्कुल। जिस तरह से ये मामला अदालत में भी गया है, जैसा कि रंजीत चौरसिया ने बताया कि हम हाई कोर्ट में अपील दायर किए हैं, अगर हाई कोर्ट में अपील दायर किया गया है तो मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टी को जब तक अदालत का फैसला नहीं आता, देखिए जमीन जिनकी है उनको तो उनकी तो होगी ही, अब वो जमाना ख़त्म हो गया। अगर ज़मीन आपकी है और लाठी के बल जोर पर हम किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे, तब संभवतः ऐसा नहीं होता है। अगर होगा भी तो कानून समझ एक तरह से बिहार में नहीं है। अगर कानून का राज सचमुच बिहार में है तो जिनके हाथ में पेपर रहेगा, जमीन उन्हीं की होनी चाहिए, चाहे वो रंजीत चौरसिया की हो, चाहे वो अमित केसरी के पिता के हो, चाहे उनके चाचा के। मैं अपने चैनल के माध्यम से फिर भी अगर अपील करना चाहेंगे, चाहे जमीन तो यहीं रह जानी, जमीन यहीं रहेगी, मरने के बाद वही 3-3.5 जमीन मिलती है। किसी भी प्रकार का वाद विवाद हो तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की जरूरत पड़ती है। हालांकि ये मामला झाझा थाना अध्यक्ष राजेश शरण के संज्ञान में भी गया है। राजेश शरण ने 2-3 बार दोनों पार्टियों को कहा है कि आप लोग सर जो वकील के माध्यम से आइए और अपना अपना पक्ष रखिए, और जो कागज़ है वो पुख्ता कागज लेकर आइए, तभी कोई बात बन सकती। जैसा कि आप जानते हैं हर शनिवार को जनता दरबार भी लगता है, जिसमें अंचलाधिकारी या सर्किल इंस्पेक्टर या अंचल निरीक्षक आकर जमीन संबंधी विवाद का निपटारा करते हैं। इस मामले को वहाँ भी ले जाकर इस मामले का निष्पादन करने की जरूरत है।
राजेश सर ने कई बार इन लोगों को बताया है कि आप लोग अपने वकील के माध्यम से आइए और जमीन का जो असली पेपर है वो यहाँ दिखाइए, हम अंचलाधिकारी से बात करेंगे, तब इस मामले का निपटारा हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जब तक हाई कोर्ट या जब तक अदालत का कोई फैसला नहीं आ जाए, दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी किसी भी प्रकार का कोई निर्माण का कार्य नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो कानून एक तरह से तोड़ने का उन लोगों पर मुकदमा किया जा सकता है। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट।